नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश, और आइए अब नजर डाल लेते हैं छिंदवाड़ा से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। दीनदयाल पार्क के सामने लगी फल सब्जी दुकानों को बुधवार को दोपहर हटाया गया तो इसके व्यवसायी सीधे कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच गए और गेट के सामने दुकानें सजा ली। इसकी सूचना पर अपर कलेक्टर आलोक श्रीवास्तव निकले और दुकानदार को समझाइश दी। और छिंदवाड़ा जिले के पांडुर्णा में आगामी 2 सितंबर को गोटमार मेला आयोजन के संबंध में कलेक्टर जेके जैन और पुलिस अधीक्षक जी के पाठक ने पांडुर्णा में शांति समिति की बैठक ली। बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष मीनाक्षी खुरसंगे सहित शांति समिति के सदस्य एसडीएम मयंक अग्रवाल, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सभी ने एकमत होकर गोफन चलाने वाले पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया। स्वास्थ्य क्षेत्र में जिले की स्थिति चिंताजनक है। इसकी प्रमुख वजह चिकित्सकों की कमी है। इतना ही नहीं, कई उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक ही नहीं है। इन केंद्रों का संचालन नर्स द्वारा किया जा रहा है। वहीं जिला चिकित्सालय में शल्यक्रिया विशेषज्ञ के पदों पर 2 चिकित्सक अतिशेष है। मौखेर थाना क्षेत्र के महलपुर गांव में बुधवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक स्कूली छात्र ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर कायम किया और जांच शुरू कर दी है। इधर पुलिस ने बताया कि पिता की मौत करीब 10 साल पहले हो चुकी है, वहीं मां मानसिक रूप से परेशान है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की सारी खबरें हमारी वेबसाइट के साथ साथ एंड्रॉइड ऐप पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।